कैरियर मेकर के शॉर्ट मैथ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको पता है कि जो हम 12 बजे जो है शॉर्ट वीडियो का जो है अपलोड करते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम सेलेक्ट किए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 429 आम और 715 संतरे को समान रूप से वितरित किया जा सके। जिसको सॉल्व कीजिए। देखिए, जब भी बात किया जाए अधिकतम संख्या की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। HCF आपको निकालना है, HCF यानी कितना, 429 और 715, 715 ना। तो ये दो विधि से होता है, एक भाग विधि, एक गुणनफल विधि। चलिए हम इसको भाग विधि द्वारा बनाते हैं, 429, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 15, ये 8, और ये 6 × 6 = 4 = 2। आप इसको 429 लिख सकते हैं। अगर दो मरतबे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही मरतबे 286, 9 × 6 = 3, और ये 8 × 4 = 12, और 3 × 2 = 143, और ये 286 कट जाएगा। दो मरतबे कट रहा है ना, 143 × 2 = 286 कट गया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया कितना, HCF बराबर 143। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 115, 149 और 183 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 3, 5 और 7 आए। तो देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इससे ये पता लगता है कि हमें HCF निकालना है, और जब शेष दिया है तो शेष को हम पहले घटा देंगे। और देखिए, 115 के लिए शेष दिया है 3, 149 के लिए -5 और -7, आपस में घटाइए कितना हो जाएगा, 112, 144 और 100 कितना हो जाएगा, 76। अब आप जो है इसको HCF निकालिए। तो देखिए, इसको हम भाग विधि द्वारा बनाते हैं, 112, 144, एक मरतबे 112, दो, ठीक है, अब 112, 32 कितना हो जाएगा, 96, और चार मरतबे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 × 8 = 12, ये ज़्यादा हो रहा है, 3 मरतबे करेंगे, 3 × 6 = 3, 3 × 9 = 12, 12 × 6 = 6, 10 × 9 = 1, 32, और ये 16 × 32, ठीक है, यानी 16। अब 16 में डिवाइड करेंगे 16 और 176 से, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 11 मरतबे कट जाएगा ना, 16 हो गया, 1, 6 यानी 11 मरतबे कट रहा है, यानी कितना HCF आ गया, HCF आ गया हमारा 16, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 3000 में घटाने पर 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, करें कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 3000 में घटाने से, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 7, 11 और 13 का LCM निकालेंगे, और LCM निकालने के बाद जो हम 3000 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7, 11 और 13 का LCM कितना होगा, तो देखिए, इसका अगर हम LCM निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1001, और 1001 में आप जो है भागा देंगे 3000 से, कितना होगा, 1001, 10 में से गया 9, 0, 0, 10 में से गया 9, ये भी 9 होगा ना, 9, 9 और 2 में से गया 1, यानी 1999।
तो क्या करके वो बड़ी से बड़ी संख्या में जिसको 3000 में घटाने पर इतना से पूर्णतः विभाजन, तो 3000 में क्या घटाया जाए, तो 1999 अगर घटाएंगे तो हमारा जो है ये सभी 7, 11 और 13 से विभाजित होगा, तो 1999 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 630 और महत्तम समापवर्तक 9 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 153 है तो उनका अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना 630 और एचसीएफ दिया है कितना 9 और उसका योग दिया है एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 153। तो जब योग दिया हुआ है तो गुणज कितना हो जाएगा, गुणज यही होता है ना एक्स और वाई दोनों का गुणज ही होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणज, तो 630 गुने 9 ये हमारा आ गया गुणज। दोनों संख्याओं का गुणज हमें निकालना है अंतर, यानी x माइनस वाई निकालना है। तो आपको पता है कि x प्लस वाई दिया हुआ रहे और x वाई दिया रहे तो आप x माइनस वाई आसानी से निकाल सकते हैं। माइनस वाई बराबर ये फॉर्मूला होता है ना कि x प्लस वाई के दी होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है कि नहीं, तो बस इसी पे पुट कर दीजिए। आपका x प्लस वाई है या 153 के स्क्वायर कितना होगा, 153 का स्क्वायर करेंगे 23409 होगा, माइनस 4 गुने एक्स वाई 630 गुने 9 कितना आना चाहिए, नचों को 36 और 630 में गुना कीजिए तो 22680 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें घटा देते हैं तो घटाने के बाद हमारा आ रहा है कितना 729 और ये किसके बराबर जाएगा 27 के बराबर, तो हमारा राइट आंसर होगा 27।